हेलो हेलो हेलो, नमस्कार। किट्टू टिफ़िन में आपका स्वागत है। और आज हम बनाएंगे मटर पनीर की सब्ज़ी, जिसको बनाने के लिए हमें चाहिए मटर और पनीर, थोड़े से मसाले, टमाटर, प्याज। झटपट तैयार हो जाएगी। एक पैन में डालते हैं थोड़ा सा तेल और अपने पनीर को हल्का सा फ्राई करेंगे। आप कच्चा पनीर भी डाल के बना सकते हैं, बट हल्का सा 1-1.5 मिनट सौते करके डालने पर पनीर का टेक्स्चर बहुत अच्छा हो जाएगा और स्वाद भी बहुत अच्छा आएगा। तेल में डाल देते हैं पनीर और हल्का सा हल्दी और मिर्च का पाउडर डाल के इसको थोड़ा 1-1.5 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। फ्राई कर देने से थोड़ा सा पनीर के एजेस सख्त हो जाएंगे और पनीर टूटेगा नहीं ग्रेवी में, और बहुत ही सोंधी सी खुशबू आएगी ग्रेवी में। 1-1.5 मिनट के लिए इसको सौते कर लेते हैं। अगर आप सौते नहीं करना चाहते हैं तो डायरेक्टली कच्चे पनीर को काट के क्यूब्स में उसको आप ग्रेवी में डाल देंगे। यह है कि फिर ज़्यादा उसको स्टर नहीं करेंगे, नहीं तो पनीर टूट जाएगा सब। पनीर हो गया है फ्राई, इसको बाहर निकाल लेते हैं। इस तेल को हम फेंकेंगे नहीं, इसी तेल में हम प्याज और अदरक लहसुन डाल के उसको गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। उसके बाद उसका एक पेस्ट बनाएंगे अच्छा सा। तेल में हमने डाल दिया अपना ऑनियन, मीडियम साइज के 3 ऑनियन ले लें, उसको मोटा मोटा रफली काट लें। 1 इंच अदरक का टुकड़ा, उसको भी फाइनली मोटा मोटा काटें। 3-4 लहसुन की कलियां और हरी मिर्च, छोटी सी एक हरी मिर्च को काट के डाल दें इसमें। और इन सबको अच्छे से भूनना है जब तक कि इसका कलर गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता है। गोल्डन ब्राउन होने पे इनको निकाल लेंगे बाहर और एक फाइन प्यूरी बनाएंगे। मीडियम आँच पर इसको भूनें, 4 से 5 मिनट लगेगा, थोड़ा पेशेंस रखें। एक लाजवाब मटर पनीर की सब्ज़ी तैयार होगी बनके। इसको बीच बीच में चलाते रहें। प्याज का कलर देखो बदलने लगा है, धीरे धीरे गोल्डन ब्राउन कलर आने लगा है। मिक्सी के जार में निकाल के हल्का ठंडा हो जाने दें। उसके बाद इसका एक फाइन पेस्ट बनाएंगे एकदम। और इसी पैन में हम अपना कटा हुआ टमाटर डाल सकते हैं। अगर आप ऐसे टमाटर को भूनना नहीं चाहते हैं तो मत भूनिए, फ्रेश टमाटर का प्यूरी भी आप यूज़ कर सकते हैं। बट थोड़ा सा टमाटर को रोस्ट करके पेस्ट बनाने पे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा टमाटर का, कच्चापन निकल जाएगा, ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको ग्रेवी में टमाटर को। 1.5 से 2 मिनट में टमाटर पक के तैयार हो जाएगा। टमाटर पक गया, इसको जार में निकाल लेते हैं और इसका भी एक फाइन पेस्ट बनाएंगे। अब ऐड करेंगे तेल 3-4 टेबल स्पून और उसमें थोड़े से खड़े मसाले, जिसमें बे लीफ, कार्डमम, ब्लैक कार्डमम, ग्रीन कार्डमम, मेस, जावित्री, जीरा, लौंग, इन सबको थोड़ा सा तेल में फ्राई करें जिससे इनका मसालों का जो सार है वो तेल में उतर जाए। उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा अपना गरम मसाला और सूखे मसाले ऐड करेंगे, जिनमें धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला 1 टेबल स्पून के करीब। कोई सा भी गरम मसाला यूज कर सकते हैं आप, मैंने एवरेस्ट का किया है। तेल में मसालों को ज़्यादा नहीं भूनना है, अदरवाइज मसालों का कलर ख़राब हो जाएगा। लाल मिर्च बहुत जल्दी जल के काली हो जाएगी और ग्रेवी में वो लाल रंग नहीं आएगा अच्छा। बस हल्का सा तेल में भूनें और तुरंत इसमें मिलाएं प्याज का पेस्ट। प्याज का पेस्ट मिला दें और इसको अच्छे से भून लें। 2-3 मिनट इसको हल्की आंच पर फ्राई करें। बीच बीच में चलाते रहें इसको लगातार, मसाले तली में जलने नहीं चाहिए। किनारों से तेल बाहर आने लगा है, मतलब प्याज लगभग लगभग पक के तैयार हो गया है। अब इसमें हम टमाटर की प्यूरी ऐड कर देंगे। टमाटर की प्यूरी ज़्यादा पकाने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि टमाटर को ऑलरेडी हमने पका रखा है। थोड़ा सा इसको मिक्स करें, 2 से 3 मिनट इसको बस भून लें। इसमें मसाला बाहर से तेल छोड़ने लगेगा साइड से एजेस से। इसमें थोड़ा स्वाद अनुसार नमक डाल लेते हैं और इसको मिक्स करते हैं। इसी टमाटर के साथ में हम अपना मटर डाल देंगे। मैंने यहाँ फ्रोजन मटर यूज़ किया है। अगर आप फ्रेश मटर यूज़ कर रहे हैं
तो उस मटर को 2 मिनट के लिए पानी में उबाल लें। उसके बाद ग्रेवी में ऐड करें। मटर को डाल के अच्छे से मिलाएं और इस मसाले को पकने दें। मसाला एक छोड़ने लगेगा या तेल जब बाहर आने लगे ग्रेवी से, तो आप समझ जाएंगे मसाला लगभग लगभग पक के तैयार है। मसाला अपने पकने, ढक्कन लगाएं, बीच बीच में चलाते रहें। मसाला लगभग लगभग तैयार है। इसमें हम थोड़ा सा मिलाएंगे टोमेटो केचप 1 टेबल स्पून के करीब। इससे ग्रेवी में एक हल्की मिठास आएगी और ये बहुत ही अच्छा टेक्सचर देगा ग्रेवी को। इसको थोड़ा मिला दें अच्छे से। ग्रेवी हमारी पक के लगभग लगभग तैयार है। अब इसमें हम आवश्यकता अनुसार पानी मिलाएंगे। आवश्यकता अनुसार पानी मिला के इसको चला दें और 5 से 10 मिनट के लिए और पकाएंगे इसको। 5 से 10 मिनट में ग्रेवी अपनी पक के तैयार हो जाएगी। हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखें, मटर पनीर की ग्रेवी पतली नहीं होती कि उसमें डुबकी लगाया जाए। मटर पनीर हमेशा मसाले टाइप होता है, फ्लोइंग कंसिस्टेंसी की ग्रेवी होगी। ज़्यादा पानी डाल देंगे अच्छा नहीं आएगा टेक्सचर ग्रेवी का। इसको पकने दें ढक्कन लगा के 5 से 7 मिनट के लिए। तेल ऊपर आने लगा है, ग्रेवी की कंसिस्टेंसी सही है, मटर पनीर हमारा लगभग लगभग बन के तैयार हो गया है। अब इसमें हम थोड़ा सा कस्तूरी मेथी का पाउडर ऐड करेंगे। कस्तूरी मेथी का पाउडर डाल दिया। कटा हुआ हरा धनिया मिला देते हैं इसमें फ्रेशनेस के लिए। एक 2 मिनट और इसको पकाएंगे बस। ये देखिए कितनी अच्छा कितना अच्छा टेक्सचर आया है, लाल रंग तेल का अच्छा। गैस को अब बंद कर देंगे, ढक्कन लगा के ग्रेवी को छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए ठंडा हो। ठंडा होने पर इसका कलर और भी निखर के आएगा। देखिए कितना अच्छा लग रहा है मटर पनीर। इसको प्लेटिंग कर लेते हैं। क्या शानदार कलर है, लाल कलर, एकदम ढाबा रेस्टोरेंट टाइप। घर में बनाएं, आनंद लें। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। देखिए गार्निश करेंगे हम इसको हरे धनिए और जिंजर के जूलियन से। ये जिंजर के जूलियन आ गए। थोड़ा हरिया हरा धनिया बैठा देते हैं ऊपर। अब तैयार है अपना मटर पनीर की सब्जी। रोटी, नान, पराठे या किसी के साथ भी मजे लें, लाजवाब सब्जी है। एक बार ज़रूर इस विधि से बनाएं और आनंद लें। और पिट्टू टिफिन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग।